भिंड जिले में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन मेला ग्राउंड में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के नगरीय विकास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सागर से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बधाई गीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर मंत्री भदौरिया ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सड़कें बदहाल थी, पेयजल व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मुख्य व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई थी, मगर भाजपा के कार्यकाल में कोरोना जैसी बीमारी आने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया गया और दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर रहा। प्रदेश के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्थापित करने का प्रयास किया, ये जानने का अधिकार भी आपको है। आज से 17 साल पूर्व यह समझ नहीं आता था कि मध्य प्रदेश और बिहार में तुलना किस बात की। मध्य प्रदेश पिछड़ा है या बिहार पिछड़ा है? मध्य प्रदेश में सड़कों के नाम पे गड्ढे थे, स्वास्थ्य के नाम पे अस्पताल नहीं थे, शिक्षा के नाम पे 2,500 रुपए में शिक्षक नहीं एक शिक्षा कर्मी को नियुक्त कर दिया था, जिससे मध्य प्रदेश की शिक्षा को हमने रसातल में भेज दिया।